आप सभी को मेरा नमस्कार। एमईए सर्विसेज अजमेर राजस्थान। आज हमारे साथ दो कस्टमर्स हैं, दो क्लाइंट हैं हमारे साथ, जो कि आए हैं बहुत दूर से। एक आए हैं सर उड़ीसा से, साहू सर हैं, मिस्टर साहू सर उड़ीसा से हैं, और अंसारी सर जो हैं धनबाद से। तो अभी है 2 जनवरी, टाइम बता देता हूँ, 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहा है। 2 जनवरी का टाइम है अभी, और सर आए हैं 31st को, मतलब 2 दिन पहले सर आ चुके हैं। मैं इवेंचुअली अभी आज ही अजमेर आया हूँ, तो काफ़ी सारी बातें हमने इनसे करी हैं, क्योंकि सेशन जो है वो 2 तारीख से 7 तारीख तक का सर, दोनों सर का एक साथ है, क्योंकि मैंने बहुत क्वालिफाई करके दोनों को बुलाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिनको भी मैं बुलाऊँ उनके फ्यूचर में हर चीज़ क्लियर करूँ, हर चीज़ मतलब काम से रिलेटेड और दूसरी सारी चीज़ों से रिलेटेड। मैं मतलब एक तरीके से जो जितना भी होता है एक काम को लेकर, है ना, वो श्योरिटी इनको दिला पाऊँ कि हाँ आप काम कर सकते हो। सर के बारे में बता देता हूँ, सर टाटा कार्गो में काम करते हैं, है ना, और सर को है 20 साल का एक्सपीरियंस। सर ECM का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सर काम करते हैं 6 साल का एक्सपीरियंस है सर को, बट सर को वायरिंग का एक्सपीरियंस है, ECM का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सर की एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? जीरो है सर की एजुकेशन, है जीरो। अंसारी सर जो है उनकी एजुकेशन जीरो है, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है। सर आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल है। डिप्लोमा मैकेनिकल है। अब बताने वाली बात क्या है कि आज इनका डे वन स्टार्ट होगा 2 जनवरी सुबह 11 बजे से, और चलेगा 7 तारीख तक, जो कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, बट टाइम मेरे हिसाब से होगा क्योंकि अभी भी 1 बज रहा है। तो अभी हमने बेसिकली एक मीटिंग करी है, क्योंकि आने से पहले हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम, आप मुझे जानो और मैं आपको जानूं, तब जाके वो 6 दिन प्रॉपरली आप भी उस चीज में मिल पाओ, और क्योंकि आप दोनों अलग अलग सिटी से हो तो एक फ्रेंडशिप भी बने, एक काम भी आपके पास जब आएगा तो एक तरीके से एक टीम वर्क भी होगा, क्योंकि MES से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सिटी में से हम एक ही को ले रहे हैं, फायदा आपको भी पता है। अच्छा, क्या आप, अपन वर्कशॉप कितने बजे आए थे? वर्कशॉप हम आए थे 9 बजे, 9:30 बजे आए थे, 9:30 बजे, 9:30 बजे आए थे। अभी तक का एक्सपीरियंस है, अभी तक रात के 1 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पे ऑफिस खुला है और सर भी हमारे साथ हैं। सर तुरंत आए, फ़ोन किए, चलिए वर्कशॉप। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि वर्कशॉप में जो हमारे गुरु हैं वो हमको सिखाने के लिए रात 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी लगा सकते हैं। तो हमें सीखना है, वो चीज़ हमको सीखना है यहाँ से। आपका बेसिकली क्या हुआ कि साहू सर का पार्सल अभी तक अजमेर आया नहीं है, मतलब मेरे वर्कशॉप में आया नहीं है। सर का जो है ना, सर 5 ECM लेके आए थे। अब क्या होता है, हम हर वीडियो में ये चीज़ बोलते हैं कि जो भी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं वो एक तरह से फ्री ट्रेनिंग है हमारी, लेकिन हम देंगे सिर्फ गिने चुने लोगों को ही, और सिटी के एक ही व्यक्ति को। ये चीज़ यहाँ प्रूफ हो रही है? हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं लोग फोन करते हैं कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या क्यों कैसे, मैं नहीं जवाब दूंगा, आपको सीखना है पाओ, पर प्रॉपर प्रोटोकॉल से हो, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल अच्छा है। हमारा लोगों के तरह नहीं कि हाँ एक सिटी से 10 कस्टमर आ गए, 10 को सिखा दिया, नहीं, व्यक्ति एक ही व्यक्ति आना चाहिए जो कि 10 लोगों को नौकरियां दे सके। अब आप भी तो सीखोगे और आप भी दोगे, आपकी एज जो भी है, आपकी एज जो भी है, आप भी अब आने वाले टाइम में 10 लोगों को काम दोगे, एक अच्छी नॉलेज स्प्रेड करोगे, है ना। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आप 5 ECM लेके आए, उन 5 ECM का क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना पैसा अभी तक रिकवर हो गया? अगर 1 ECM का भी 30,000 पकड़ के चले तो कितने ECM आपकी नज़र से रिपेयर हो चुके हैं अभी तक, जबकि आज का दिन स्टार्ट नहीं हुआ आपका? एक बार क्लियर बताइए। 1 लाख से ऊपर ही। तो इनको इतनी खुशी थी जब मैं इनको बता रहा था कि सर आपके ECM में ये प्रॉब्लम है और ये मैंने इधर इसको ये कर दिया, तो ही वॉज टोटली शॉक्ड कि इतनी देर में थोड़ी ना होता है, सही, आप कमा के निकल रहे हो पैसा, ये काम बहुत इजी है अगर किसी के गाइडेंस में करो तो। ये आपने अभी देखा, मैंने जितना भी काम करा वो काम सिर्फ जरा से देर का है, वो मेरे लिए है क्योंकि मुझे अनुभव है, आपको अनुभव नहीं है, बट हाँ इवेंचुअली आपको अनुभव हो जाएगा। लोग कहते हैं 6 दिन में आप क्या सीखोगे, तो 6 दिन कम पड़ेंगे, आप बता दो एक बार क्या 6 दिन कम पड़ने वाले हैं,
आपके लिए जो आपको स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग एक्चुअली हुई नहीं है अभी, अब होगी कल से, लेकिन अपनी मीटिंग फेज था, मीटिंग फेज में मैंने इनको कहा कि आप पार्सल आ गया क्या आपका, तो सर ने बोला कि पार्सल तो मेरे पास ही है, 5 ECM लेके आए। हम ऑफिस आए, वापस मैं सर को लेके गया हूँ कि सर चलो होटल चलो अपन लेके आते हैं काम। हम लेके आए हैं 10 बजे के लगभग हम लेके आए हैं, और कुछ अभी बज रहा है 1:13 जो 2 जनवरी। तो एवेंचुअली मतलब अभी तक तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, बहुत अच्छा रहा है। कल आप स्टार्ट करोगे तो कल में डे जो 7 होगा आपका, डे 7 पे हम लोग एक वीडियो डालेंगे जो कि सिर्फ इनका अलग हुआ और इनका अलग हुआ, और 6 दिन मेरे हिसाब से कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति 2 महीने में सीख पा रहे हैं उसको हम 6 महीने में दिन रात देख करके, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ी ना करनी है, ये लोग नहीं समझते। 6 दिन में क्या होगा, कई के लगे तो जगह तो 2 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, तो 2 महीने की ट्रेनिंग में कोई फायदा नहीं है। ट्रेनर टाइम कितना दे रहा है वो तो देखो आप, और ट्रेनर क्या पढ़ा लिखा है। आज आप कोई भी चीज लेने जाते हो तो आप ISI मार्क जरूर देखते हो जी, हर चीज की प्योरिटी देखते हो ना, प्योरिटी देखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। मैं एजुकेशन सिस्टम में ही तो हूँ अभी, मैं अगर आपको वो चीज बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीज इस तरीके से होगी, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरा चैनल हमेशा ओपन है। मेरा जो चैनल है मतलब मेरा जो कनेक्टिंग वे है, मेरा जो फोन नंबर है वो हमेशा ऑन रहता है, तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन टाइम पास के लिए जो लोग फोन करते हैं कि 6 दिन में क्या होगा, क्वेश्चन ना करें, आपको काम सीखना है, काम मेरी जिम्मेदारी, काम कैसा आएगा वो भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डोमिनोज पिज्जा अपन खाते ही हैं अधिकतर, हर सिटी में एक होता है, हम भी हर सिटी में एक ही कस्टमर को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि वो हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में इतना आगे बढ़ जाए ताकि वो बहुत लोगों को काम दे, और हम अच्छी नींव भी रख रहे हैं, हमारा मोटिव भी गलत नहीं है, जो हम फीस ले रहे हैं वो भी फ्री है एक तरह से, क्योंकि आप ही ACM जब आप यहाँ आते हो आप तो वही हम ACM रिपेयर करके दे ही रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का, अभी मतलब 3-4 घंटे ही हुए हैं मेरे से मिले हुए, सेशन तो कल से स्टार्ट होगा, हाँ अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप सीख पाओगे एज अ फ्रेशर? सीख पाएंगे हम। अभी तक कैसा रहा है कि यहाँ आने के पहले का क्या अनुभव रहा है, कि कैसा फील हुआ आपको? आने से पहले सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं, थोड़ा टेंशन हो रहा था। लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम था, इंग्लिश हिंदी का क्या प्रॉब्लम था? इंग्लिश हिंदी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, इंग्लिश में आपको आप ऐसा लग रहा था, आप अपने जो अभी कहा मुझे कि इंग्लिश में थोड़ा वीक है हम, पूरा जीरो है इंग्लिश में। देखो जो भी हो ना क्लियर बताना, क्योंकि आपके जैसे कई लोग हैं जो कि सीखना चाहते हैं बट वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको गाइडेंस जो है वो प्रॉपरली मिल ही नहीं पाता है, क्यों अपने यहाँ की हालत ऐसी है। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ मैं किस तरीके की मेहनत आप लोगों के ऊपर कर रहा हूँ, और 7 दिन बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये तो आप लोग ही आपका एक्सपीरियंस अब बताएंगे, और मैं तो विद फोन नंबर दूंगा। अभी तक मैंने आपकी सिटी डिक्लेयर नहीं करी है कि सिटी कौन सी है, क्योंकि 7 दिन बाद जब मैं सिटी डिक्लेयर करूंगा तो वहां के टाटा कार्गोज में आप वीडियो दिखाओ, आप लोगों को एंकरेज करोगे हाँ मैं सीख के आ चुका हूँ, मुझे आप काम दो, और काम देना थोड़ी ना है, काम मैं दूंगा आपको। जो भी यहाँ से कस्टमर्स क्लाइंट सीख के जाते हैं उनको काम हमारी तरफ से भी मिलता ही है, और फीस तो वैसे भी फ्री है, वो तो वो काम करके ही निकल जाता है, वो तो देते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर सुबह में पहुँचा बहुत अच्छा लगा, और सर से भी इतना रात बजे मतलब इतना एनर्जी लेवल हाई है कि सोचने वाली बात है, जो भी आएगा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काम 100%। अच्छा, होटल की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था ठीक लगी आप दोनों को? होटल की व्यवस्था ठीक है, ठीक है, और चीप है कि नहीं है, सस्ती है, बहुत सस्ती है। लोगों को रहता है कि खाने पीने का क्या रहेगा, होटल का क्या रहेगा, तो होटल का तो मैंने बोला है कि 2 जने आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वही 3,000 रुपए एक जने को पड़ेगा 6 दिन का, वो भी इस सिटी में बढ़िया है, बढ़िया है, और खाने पीने की कोई दिक्कत है नहीं, सुबह शाम जब हमारा सब यही होता है। आपसे मिलेंगे अब 7 दिन बाद, दोनों से बात करेंगे, इनका ऑब्जर्वेशन लेंगे कि क्या लगा कैसे लगा, हो सकता है उस बीच में अगर कुछ कंटेंट मिलेगा मुझे जो बताने लायक है मैं ज़रूर बना के और डालूंगा। तो आप लोग जितने भी हैं ट्रेनिंग के लिए आप फ्री हो जाइए, जिनको काम सीखना है वो मेरे ऊपर छोड़िए,
काम सिखाना मुझे, काम देना मुझे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक अच्छे अच्छी एक व्यवस्था हो। और कम लोग लेने का ही रीजन ये है क्योंकि व्यवस्था कम लोग लेंगे जब ही अच्छी होगी, ज्यादा लोग लेंगे तो व्यवस्था कभी अच्छी नहीं होगी। मैं किस किस को टाइम दूंगा, मेन बात वो है, इसलिए मैं कम लेता हूँ। तो जिनको भी बैच बुक कराना है फरवरी का और मार्च का, वो लोग कॉल करके बैच बुक करा सकते हैं, लेकिन विश्वास ना हो तो 7 दिन बाद जब सर के और सर के नंबर जब आएंगे तो आप इनको भी काम लेके देख लीजिए इनको कितना काम है। तो आप सभी से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं एक बार आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दूसरा, जो हम काम करते हैं वो बेसिक ग्राउंड लेवल पे नॉलेज हम कैसे दे पाएंगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो जब आप और आप ऑब्जर्व करेंगे, जो यहाँ आके ऑब्जर्व करेंगे उनको ज़्यादा पता होगा। तो आप सभी से शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे, और कोविड है तो थोड़ा ध्यान रखिए।